त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। जिले में नगर निकाय चुनाव 2021 के अंतर्गत 8 नगर निकायों की मतगणना आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी सावनवल वर्मा ने बताया कि जिले में नगर निकाय आम चुनाव 2021 के अंतर्गत रविवार को नगर परिषद सुजानगढ़ एवं नगर पालिका बीदासर, राजलदेसर, छापर, रतनगढ़, रतननगर, सरदारशहर एवं तारानगर में वार्ड सदस्यों के मतों की गणना शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और परिणाम घोषित किए गए। इसी के अंतर्गत चूरू के निकटवर्ती कस्बे रतननगर में आज आए नगर निकाय चुनाव परिणाम में 20 सीटों में से भाजपा ने 11 सीट पर जीत दर्ज की है तो कांग्रेस को 6 सीटों पर ही सफलता मिली तथा 3 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने विजयश्री हासिल की। मतगणना के दौरान पुलिस व प्रशासन की भी माकूल व्यवस्थाएं रही। इस दौरान SDM अभिषेक खन्ना व CEO सिटी ममता सारस्वत सहित तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। की गई है प्रशासन की ओर से रतननगर नगर पालिका के 20 वार्ड के सभी के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। अभी कानून व्यवस्था की दृष्टि से सभी जीतने वाले प्रत्याशियों एवं हारे हुए प्रत्याशियों सभी को हिदायत है कि किसी भी प्रकार का जुलूस रैली नहीं निकाला जाए, कोविड की गाइडलाइन की पालना की जाए, अगर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होती है तो उचित कार्रवाई। आज रतनगर में है मतगणना और जो मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय जो हमारा पुलिस का जाप्ता है बिल्कुल तैनात है। हर जगह मोबाइल पार्टियां भी हैं और ट्रैफिक की भी व्यवस्था है, शांतिपूर्ण चल रहा है। अब तक लास्ट राउंड की मतगणना चल रही है। रतननगर कस्बे में नगर निकाय चुनाव में 20 में से 11 सीट बीजेपी की आने पर रतननगर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का माल्यार्पण कर स्वागत किया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि ये जीत जनता व भाजपा कार्यकर्ताओं की जीत है, अब कस्बे में विकास कार्यों को प्राथमिकता से किया जाएगा। कांग्रेस के राज में कस्बे में 5 साल तक कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया। पिछली कांग्रेस सरकार ने विकास के नाम पर लोगों के वोट हासिल किए हैं, लेकिन अब भाजपा का बोर्ड बनेगा और विकास कार्यों की गंगा बहाई जाएगी। इस मौके पर भाजपा नगर मंडल रतननगर अध्यक्ष पवन यादव, पूर्व पालिका अध्यक्ष गोविंद शर्मा, पूर्व अध्यक्ष सत्यनारायण सैनी व रफीक कायम खानी सहित कस्बे वासियों ने राठौड़ का स्वागत किया। पूरे प्रदेश के अंदर स्थानीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मत प्रतिशत के आधार पर और जीते हुए पार्षदों की गणना के आधार पर ज्यादा पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं पूरे प्रदेश में। हाँ, कुछ जगह पर जिस प्रकार का प्रीसिमन करके खेल किया गया, छोटे छोटे वार्ड बनाकर और जिस प्रकार का ध्रुवीकरण करने की मतों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, उसका परिणाम जरूर कई जगह पर विपरीत आया है। चूरू जिले में भी मिश्रित सीटें आई है। अगर देखा जाए तो पार्षदों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगभग लगभग बराबर है। आज भाजपा मंडल रतननगर ने नगर पालिका में 11 सीटों के साथ अपना बोर्ड बनाया। एक समर्थित निर्दलीय सहित हमारी कुल 12 सीटें जीत करके आई है। हम भाजपा में बोर्ड बनाएंगे, सर्वसम्मति से हमारा नगर पालिका का अध्यक्ष बनाएंगे। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे विधायक श्रीमान राजेंद्र जी राठौड़, जिन्होंने हर संभव हमें अपने प्रयासों से कार्यकर्ताओं में एकजुटता होने का संदेश दिया। खूब घर घर घूमकर उन्होंने जो मेहनत की उनकी प्रेरणा स्रोत बनकर के हमने कार्य किया। भाजपा मंडल के सभी कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारीगण या पार्टी के संरक्षक, सभी ने मिलकर के सहयोग किया। आम मैं रतननगर मतदाताओं को सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। वहीं तारानगर नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है। कांग्रेस ने 20 सीटों पर कब्जा किया है तो वहीं भाजपा 12 सीटों में ही सिमट कर रह गई तथा 3 सीटों पर निर्दलियों ने बाजी मारी है। क्षेत्र के भाजपा से उपाध्यक्ष रहे अयूब पटवा चुनाव हार गए हैं तो वहीं क्षेत्र के कई दिग्गज भी चुनाव नहीं जीत पाए। क्षेत्र के दिग्गज नेता जमरदीन तेली 2 वोटों से हार गए। भाजपा से सुशील सरावगी ने 3 वोटों से जीत हासिल की। कांग्रेस से दिग्गज नेता रहे थानाराम सैनी भी चुनाव नहीं जीत पाए। वहीं जीत के बाद कांग्रेस व भाजपा के कार्यकर्ताओं ने DJ की धुन पर नाचते गाते हुए जश्न मनाया। क्षेत्र के राजकीय माँ जालपा देवी महाविद्यालय में मतगणना हुई। चुनाव परिणाम के समय पुलिस जाप्ता तैनात रहा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की इतनी सीटों पर जीत होना स्थानीय विधायक नरेंद्र बुडानिया का शानदार नेतृत्व बताया। नगर पालिका आम चुनाव 2021 की मतगणना आज 31 जनवरी को संपन्न हो गई है, जो सुबह 9 बजे प्रारंभ हुई थी। इसमें 87 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें से 20 उम्मीदवार कांग्रेस के विजयी रहे हैं, 12 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के विजयी रहे हैं और 3 निर्दलीय ने विजय प्राप्त की।
वहीं सुजानगढ़ नगर परिषद के 60 वार्डों की आज हुई मतगणना में जहां कांग्रेस ने 28 सीटों पर कब्जा किया, वहीं भाजपा 19 सीटों पर ही सिमट कर रह गई तथा 13 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। चुनाव परिणाम आने के साथ ही विजेताओं एवं उनके समर्थकों ने जय घोष किया और अपने अपने वार्डों में विजयी जुलूस निकाला। आज सुबह मतगणना शुरू होने से पहले ही प्रत्याशियों एवं उनके समर्थकों का जमावड़ा मतगणना स्थल राजकीय जाजोदिया उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर एवं बाहर होना शुरू हो गया। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मतगणना स्थल पर 2 कमरों में 5-5 वार्डों की 14 राउंड में मतगणना हुई। वहीं चुनाव में भाजपा प्रत्याशी पूर्व सभापति डॉक्टर विजय राज शर्मा की पत्नी कृष्णा शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामनारायण प्रजापत, भाजपा के वरिष्ठ नेता बुद्धि प्रकाश सोनी की पत्नी हीरामणि सोनी, पूर्व निर्दलीय पार्षद राजेंद्र गिड़िया की पत्नी प्रेम देवी गिड़िया जैसे दिग्गजों की हार ने सबको चौंकाया। रिटर्निंग अधिकारी मूलचंद लूनिया ने शांतिपूर्ण मतदान एवं मतगणना के लिए सभी का आभार व्यक्त करते हुए चुनाव परिणाम की जानकारी दी। मतगणना बिल्कुल निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर संपादित की गई और वार्ड नंबर 1 से 30 तक कक्ष नंबर 1 में थी और वार्ड नंबर 31 से 60 तक मतगणना कक्ष 2 में मतगणना करवाई गई। इसमें 31 से 60 तक जो वार्ड है उसमें जो INC है उनको 15 सीटें मिली हैं और BJP हैं उनको 7 सीटें मिली हैं और आदर्श निर्दलीय हैं उनको 8 सीटें मिली हैं। मतगणना के लिए कोई प्रवेशन नहीं किया गया था और जो मतगणना का कार्य है वो रिटर्निंग ऑफिसर्स को अधिकारी नियुक्त किए गए थे उनके द्वारा किया गया है। पूरी मतगणना पारदर्शिता और निष्पक्षता पूर्वक संपन्न हुई है और बहुत ही शांतिपूर्वक पूरा मतगणना कार्य संपन्न हो चुका है और पर्यवेक्षणीय कार्य जो था वो हमने यहाँ किया है और हम राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जो भी अपेक्षित रिपोर्ट है उनको सबमिट करेंगे। रतनगढ़ में भी आज आए निकाय चुनाव परिणाम में कांग्रेस पार्टी ने अपना परचम फहराया है। 45 वार्डों वाली नगरपालिका में भाजपा के मात्र 8 प्रत्याशी ही विजयी हुए हैं जबकि 24 वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशियों ने बाजी मारी है तथा 13 वार्डों से निर्दलीय विजयी होकर नगरपालिका में पहुंचे हैं। वहीं लोहिया गर्ल्स कॉलेज में मतगणना समाप्ति के पश्चात नवनिर्वाचित पार्षदों को रिटर्निंग अधिकारी नवावतार कुमावत ने शपथ दिलवाई। कांग्रेस के सभी विजयी उम्मीदवार कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया के साथ गर्ल्स कॉलेज पहुंचे तथा उन्होंने एक साथ शपथ ली। सरदार शहर में भी आज नगर पालिका चुनाव को लेकर पूरी मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। 55 वार्डों के लिए सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू हुई जो 1 बजे तक चली। शहर में 55 वार्डों के लिए 172 प्रत्याशी मैदान में थे जिसमें कांग्रेस ने 29 सीट पर जीत दर्ज कर सफलता का परचम फहराया है। वहीं भाजपा ने 23 सीटों पर जीत दर्ज की है तथा 3 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी विजयी हुए हैं। वहीं मतगणना को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए। वहीं 29 सीटों के साथ अब कांग्रेस नगर पालिका में अपना बोर्ड बनाती हुई दिख रही है। गत 5 सालों में भाजपा का बोर्ड था लेकिन इस बार जनता ने एक बार फिर कांग्रेस पर भरोसा करते हुए 55 वार्डों में से 29 वार्डों पर कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में अपना मतदान किया। मतगणना पूरी होने के बाद से ही कांग्रेसी खेमे में जश्न का माहौल है। श्री दादू दयाल सैंड स्टोन हमारे यहाँ पर करौली धौलपुर बंसी पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर फार्म हाउस मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली खूबसूरत फव्वारे सुंदर झरने झरोखे गमले शेर हाथी घोड़े मूर्ति भव्य चौखट लैंप सोफा सेट छतरी आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादूदयाल सैंडस्टोन टी पॉइंट सरदार शहर रोड रतनगढ़ प्रोपराइटर पप्पूराम सैनी दोसा वाले।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के सादुलपुर आगमन को लेकर आज पूर्व सांसद राम सिंह कस्वा के आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष राजेश बैरासिया ने बताया कि 6 फरवरी को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सादुलपुर आने पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। वहीं स्वागत समारोह को लेकर पूर्व सांसद राम सिंह कस्वा के आवास पर आज भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता, समाज कल्याण बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष कमला कस्वा, नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष जगदीश बैरासिया, वेद प्रकाश पूनिया सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि पूनिया के आगमन को लेकर सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई है। जिला मुख्यालय पर आज विधानसभा में उपनेता राजेंद्र राठौड़ के निवास पर भाजपा ग्रामीण कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस बैठक में ग्रामीणों ने श्री राम मंदिर निर्माण धन संग्रह के लिए समर्पण कोष में 1,02,00,000 के चेक विधायक राजेंद्र राठौड़ के माध्यम से समर्पण कोष के जिला संयोजक मदन लाल प्रजापत को भेंट किए। इस मौके पर राठौड़ ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र से आज 1,02,00,000 श्री राम मंदिर निर्माण धन संग्रह के लिए दिए गए हैं और भी ग्रामीण क्षेत्र से चेक आएंगे, उन्हें भी आगे सुपुर्द किया जाएगा। श्री राम मंदिर के धन संग्रह के लिए गांव गांव के अंदर लोगों में होड़ मची है। आज चूरू तहसील के ग्रामीण जन यहां आए हैं और 1,00,00,000 से अधिक की राशि अभी हमने धन संग्रह करके भेंट की है। हमारा लक्ष्य है चूरू के ग्रामीण क्षेत्र से हम इतनी राशि और इकट्ठी करके राम मंदिर के निर्माण के अंदर अपना सहयोग करें। सादुलपुर में आज जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक सुराणा भवन में आयोजित हुई। सोहन सिंह जैतवल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय प्रभारी जयेंद्र गढ़वी, महासंघ के महामंत्री अमर सिंह सांकला, प्रदेश विद्युत प्रभारी कैलाश चंद्र सेन थे। बैठक में प्रदेश विद्युत क्षेत्र में तीव्र गति से किए जा रहे निजीकरण की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए पूरी एकजुटता के साथ इसके विरोध की रूपरेखा तय कर लड़ाई लड़ने की बात रखी गई। इसके अलावा डिस्कॉम कंपनियों के कार्मिक शाखा में अलग अलग नियमों की पालना से कर्मचारी वर्ग में उन्हीं शंकाओं को लेकर स्पष्ट आदेश करवाए जाने की भी चर्चा की गई। बैठक में पिछले 3 माह से संपन्न किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रदेश महामंत्री ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। आज राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ संबद्ध भारतीय मजदूर संघ की कार्य समिति की राजस्थान की पूरे प्रदेश की बैठक चल रही है, जिसमें निजीकरण हो रहे विद्युत में उस पर विचार विमर्श किया गया कि किस प्रकार से हमने निजीकरण के खिलाफ लड़ना है और आंदोलन करना है। सभी ने बैठकर चर्चा की और विषयवार जो भी श्रमिकों की समस्या है उसके बारे में भी विचार विमर्श किया गया कि किस प्रकार से श्रमिकों को हो रही समस्या है उनका प्रशासन से वार्ता कर उनका निस्तारण किया जाए। और साथ में जो विद्युत का है, जो विद्युत में हो रहे फ्रेंचाइजी, MBC और FRT कई तरीके से सरकार निजी हाथों में देना चाह रही है, जिससे आम उपभोक्ता भी परेशान होगा और आम उपभोक्ताओं को जो सुविधाएं मिल रही है आज, जो कि बिजली, पानी और मेडिकल जैसी सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए, परंतु वो अपने हाथ चिटक रही है और सरकार निजी हाथों में देकर पूंजीपतियों के साथ मिलकर और आम जनताओं को रोकने का प्रयास कर रही है। चूरू के गांव खीवासर में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत खीवासर से जोड़ी गांव तक 4,07,91,000 की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ व सांसद राहुल कस्वा ने किया। इस अवसर पर राठौड़ ने कहा कि जब भी विकास का नाम आता है तो भाजपा का नाम जनता की जुबान पर आता है, क्योंकि गाँव में विकास की लहर भाजपा के राज में चलती है। भाजपा के राज में गांव गांव ढाणी ढाणी में सड़कों का जाल बिछाया गया है। इस दौरान सांसद कस्वा ने कहा कि सड़कों को गांव में लाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने पिछले 2.5 साल में अभी तक कोई सड़क का काम नहीं किया है। हमारी केंद्र की सरकार ने किसानों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया है। इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य हरलाल सहारण, प्रधान दीपचंद राहड़, उप जिला प्रमुख महेंद्र न्योल, संपत सिंह राठौड़, सरपंच ओंकारमल प्रजापत आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुंभाराम व ईसाराम ढाका ने की। क्षेत्र के अंदर 225 किलोमीटर से ऊपर की हमने ग्रामीण सड़क योजना प्रधानमंत्री के नाम पर चल रही है, तृतीय चरण में रोड सैंक्शन करवाई है चूरू के अंदर। इसमें हम 5.5 मीटर की रोड बनाने का काम करेंगे। खीवासर से जोड़ी की जो रोड का आज शिलान्यास करने के लिए आए हैं, पूरी लोकसभा क्षेत्र में लगभग काम चालू हो गया है और मैं समझता हूँ आने वाले समय में गाँव ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी काम करेगी। साथ ही साथ में 17 सड़कें और मंजूर करी हैं जो प्रधानमंत्री ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पैसा देकर सरकार ने जिन रोडों को टूटी हुई उन रोडों को ठीक करने का काम भी चालू बहुत जल्द शुरू हो जाएगा।
आने वाले समय के अंदर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का एक मजबूत स्ट्रक्चर हमारे डिस्ट्रिक्ट में बनता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले 31 मार्च के बाद में नया ढांचा और शुरू करने का काम करेंगे। पूरे राज्य के अंदर प्रधानमंत्री सड़क योजना के तीसरे चरण में बहुत बड़ी संख्या के अंदर सड़कों की स्वीकृति आई है। चूरू जिला भी इससे अछूता नहीं और आज खीवासर से जोड़ी के बीच की सड़क 460 लाख की लागत से बनने वाली सड़क के शिलान्यास पर हम लोग आए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा केंद्र सरकार को जिन्होंने गांव की आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने के लिए इस प्रकार की योजना बना रखी है। किसानों के सम्मान में हम सब मैदान में अभियान के अंतर्गत आज रतनगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टोल को मुक्त करवाते हुए आवागमन को निःशुल्क करवाया। रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ता नेशनल हाईवे 11 पर स्थित टीडीएसआर टोल पर पहुंचे तथा केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए किसानों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की। इस दौरान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग भी की। इस अवसर पर कांग्रेस नेता नरेश गुदारा, कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष रामवीर सिंह राईका, यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष नंदलाल एचरा, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष संदीप सिंह, पूर्व प्रधान विधायीलाल बांगड़वा व सरपंच प्रेमाराम नेहरा सहित कई लोग उपस्थित थे। वहीं सादुलपुर के निकटवर्ती गांव डोकवा में भी आज किसान आंदोलन के समर्थन में किसानों एवं ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर सांकेतिक चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया तथा मांग के समर्थन में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। इस अवसर पर पूर्व सरपंच राजकुमार बेनीवाल ने कहा कि देश के अन्नदाता के साथ जो अन्याय हो रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं जब तक तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक यह धरना अनवरत जारी रहेगा। जो कि मोदी द्वारा 3 काले कानून लगाए गए हैं किसानों के ऊपर, उनको हटाने के लिए उनको वापस नहीं देंगे तब तक ये धरना जारी रहेगा। और पूरे भारत के किसान जो कि वहाँ दिल्ली बॉर्डर पर बैठे उनके समर्थन में ये किया गया है। चूरू के शिक्षक भवन में आज राजस्थान मेडिकल एंड सेल्स प्रतिनिधि यूनिट चूरू की वार्षिक सभा का आयोजन किया गया। मीडिया प्रभारी अरुण शर्मा ने बताया कि सभा में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है जिसमें ईश्वर सिंह निमराणा को सचिव, अनिल सैनी व बिलाल को सह सचिव, अनिल पारिक को कोषाध्यक्ष, राजेश सांखला को सह कोषाध्यक्ष आदि को सर्वसम्मति से चुना गया है। वहीं इस दौरान सभा में पिछले वर्ष का लेखा जोखा भी प्रस्तुत किया गया है। सभा में उपाध्यक्ष संजय कुमार व सहयोगी सवाईदान चारण आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर नरेंद्र सुरोलिया, महेंद्र जांगिड़, अजयपाल आदि उपस्थित थे। सर, आज हमारे क्या नाम राजस्थान मेडिकल यूनियन चूरू यूनिट का वार्षिक अधिवेशन है और पिछला साल आप सभी जानते ही हैं कि कोविड के कारण से बहुत ही खतरनाक गया, खास करके हमारे दवा उद्योग के जो साथी हैं उनके लिए भी बहुत ही खराब रहा। संपूर्ण मानव जाति के लिए एक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में सबसे खतरनाक समय था और इससे उभरने के बाद में हम लोग नई शुरुआत करके हम लोगों ने अभी यहाँ पर अपना एक दूसरा यूनियन ऑफिस भी स्टार्ट किया है और आने वाले समय में हम बेहतर करें इसी चीज़ को लेकर के और ये जो कार्यक्रम है ये हमने यहाँ पे रखा है। इसमें नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, साथ ही जो पुराने कुछ इश्यूज हैं उनको भी खत्म किया जाएगा। श्री दादू दयाल सैंड स्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है।
अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फव्वारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादूदयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पूराम सैनी, दोसा वाले। राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के अंतर्गत आज 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। जिला मुख्यालय पर राजकीय भर्ती अस्पताल के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र पर बने बूथ पर जिला कलेक्टर सावनवल वर्मा ने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने पोलियो अभियान के बारे में बताया। इस अवसर पर पीएमओ डॉक्टर एफएच गोरी, आरसीएचओ डॉक्टर अनीश कुरेशी, डीपीएम संग्राम सिंह, डीपीओ प्रेमशंकर शर्मा, बजरंग हर्षवाल, हेमराज शर्मा, जमील चौहान मौजूद रहे। इस दौरान सीएमएचओ ने बताया कि जिले में 5 वर्ष तक के 3,45,217 बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। वहीं 31 जनवरी के बाद घर घर जाकर छूटे हुए 5 वर्ष तक के बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। जिले की अनुमानित जनसंख्या 22,05,000 है, उसके विरुद्ध 0 से 5 वर्ष के जो है 3,45,000 बच्चे हैं, उनको पल्स पोलियो का ये डोज दिया जाना है। आज इसकी शुरुआत सामान्य चिकित्सालय चूरू से की गई है। जिले में और भी सब जगह इसका चल रहा है, अलग अलग बूथ हमने बना रखे हैं। हमारे सभी चिकित्सा अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ANM, मेल नर्स सभी इसमें सहयोग कर रहे हैं। मैं चूरू जिले की जनता को अपील करूंगा कि जो भी ये पल्स पोलियो के टीके लग रहे हैं, पात्र बच्चे हैं, उनको सबको लगाएं, ताकि हम राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जिले को पल्स पोलियो, पल्स से जो आपकी पोलियो की बीमारी से मुक्त कर सकें। चूरू के सुभाष चौक स्थित ओझा आदर्श विद्या मंदिर द्वारा हाउसिंग बोर्ड में संचालित विवेकानंद बाल संस्कार केंद्र में आज विप्र फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ शर्मा द्वारा प्रसाद तथा पर्यावरण प्रेमी अमर सिंह किसनावत द्वारा शिक्षण सामग्री का वितरण किया गया। इस अवसर पर विश्वनाथ शर्मा ने बालकों को संस्कार में ही रहन सहन तथा शिक्षण संबंधी उपयोगी बातें बताई। कार्यक्रम का संचालन आचार्य बाबूलाल प्रजापत ने किया। इस दौरान प्रधानाचार्य विक्रम नाथावत ने सभी का आभार जताया। आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित स्वामी विवेकानंद बाल संस्कार केंद्र हाउसिंग बोर्ड में आज पर्यावरण प्रेमी श्री अमर सिंह जी किसनावत के द्वारा 26 भैया बहनों को शिक्षण सामग्री वितरित की गई। श्री राम मंदिर निर्माण में निधि समर्पण महाअभियान का दूसरा चरण आज से प्रारंभ किया गया। इस महाअभियान में 100 रुपये तथा 1,000 रुपये के कूपन तथा 5,000 से ऊपर की रसीद के द्वारा क्षेत्र में डोर टू डोर धन संग्रह के लिए संपर्क किया गया। इस अवसर पर वार्ड वासियों के द्वारा समर्पण टोली का स्वागत किया गया। धन संग्रह अभियान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता पावन दाधीच, गोपाल पारिक, बाबूलाल प्रजापत आदि मौजूद थे। श्री राम जन्मभूमि समर्पण निधि संग्रह के आज द्वितीय चरण में 100 रुपये, 1,000 रुपये के कूपन एवं रसीद में 5,100 रुपये से और ऊपर तक की राशि का ये दूसरा चरण आज शुरू किया है। इस अभियान के निमित्त हम डोर टू डोर और समाज में जा रहे हैं, तो वहाँ पर लोग हमारा बहुत ही अच्छी तरह से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग कर रहे हैं। जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा ने शनिवार को ग्राम पंचायत खांसोली में महात्मा गांधी नरेगा योजना में पूरा काम पूरा दाम योजना में चल रहे बराणा कच्चा जोहड़ के पुनरुद्धार कार्य का शाम करीब 4 बजे निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौके पर ना तो श्रमिक उपस्थित मिले और ना ही मैट उपस्थित मिली। कार्य के पास चरवाहे से जानकारी करने पर उसने बताया कि इस कार्य में श्रमिकों की छुट्टी प्रतिदिन 3-4 बजे के बीच में कर दी जाती है। इस पर जिला कलेक्टर ने ग्राम विकास अधिकारी से दूरभाष पर बात की तो उसने बच्चा अस्वस्थ होने के कारण खुद का मुख्यालय से बाहर होना बताया। वहीं मौके पर लगभग 4:30 बजे तक इस कार्य में नियोजित मैट तथा नरेगा कनिष्ठ लिपिक उपस्थित हुए। कार्य पर नियोजित मैट व नरेगा लिपिक ने कार्य को 4 बजे ही बंद किए जाने के संबंध में पूछे जाने पर किसी प्रकार का संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया। जिला कलेक्टर ने बताया कि इस कार्य में कुल 70 श्रमिकों को नियोजित किया गया है। निरीक्षण तिथि को इस कार्य पर मैट द्वारा 39 श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज की हुई है।
श्रमिकों द्वारा दिए गए टास्क के अनुसार कार्य पूर्ण होने पर माप मस्ट्रोल के पृष्ठ भाग पर अंकित किया जाना पाया गया, जबकि नियत समय अवधि से पूर्व ही श्रमिकों द्वारा कार्य बंद कर दिया गया। इस पर जिला कलेक्टर ने इस कार्य पर नियोजित श्रमिकों को तत्काल हटाया जाकर मैट को ब्लैक लिस्ट करने, ग्राम विकास अधिकारी, नरेगा, कनिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ तकनीकी सहायक व विकास अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी को दिए हैं। श्री विश्वकर्मा महासंगठन चूरू द्वारा शहीद दिवस पर एक शाम शहीदों के नाम पर 101 दीपों की सजावट शहीद स्मारक में की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ सभापति पायल सैनी ने दीप जलाकर किया। इस दौरान शहीद स्मारक भारत माता की जय तथा वंदे मातरम के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। कार्यक्रम में सभापति ने कहा कि देश के लिए बलिदान देने वाले हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। कार्यक्रम में तहसील अध्यक्ष महावीर प्रसाद जांगिड़, महासचिव राजीव काकटिया, तहसीलदार महासचिव शंकर जांगिड़, नीरज जांगिड़ व मोहनलाल शर्मा सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित थे। आज अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन के द्वारा व सभी यहां पर जितने भी आम नागरिक जन खड़े हैं सभी के द्वारा शहीद दिवस के ऊपर आज चुरू के अंदर शहीद स्मारक के ऊपर दीप प्रज्वलित कर शहीदों को याद किया गया है, उन्हें नमन किया गया है। शहीदों ने हमारे मातृभूमि की रक्षा के लिए जिस तरीके से अपने प्राणों की आहुति दी है उनका जितना नमन किया जाए, उन्हें जितना याद किया जाए वो कम है। आज हम फिर से उन्हें नम आँखों से उन्हें याद करते हैं और उनको दिल की गहराइयों से सलामी देते हैं। 30 जनवरी 2021 शहीद दिवस है, पूरे देश में शहीद दिवस मनाया जा रहा है। हम भी यहाँ चूरू के शहीद स्मारक पर शाम के 7 बजे शहीद दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता पायल सैनी कर रही है और सभी श्री विश्वकर्मा अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन के सदस्य और अन्य जो साथी लोग हैं वो इकट्ठे हुए हैं। 101 दीपक जला करके एक शाम शहीदों के नाम से हमें इसको कार्यक्रम